नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी चिट्ठी, केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेजा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर एनडीए में हुई चर्चा, भाजपा 140-150 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव, तो वहीं शिवसेना 80 पर। इसके अलावा अजीत पवार को मिल सकती हैं 55 सीटें। मणिपुर में आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा हिंसक प्रदर्शन, राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से हुई झड़प। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले दागे। एक बार फिर उत्तराखंड में हुआ लैंडस्लाइड, 5 तीर्थ यात्रियों की हुई मौत, इनमें 3 मध्य प्रदेश के यात्री शामिल। इसके अलावा 25 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आरक्षण पर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे, और फिलहाल भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं। हरियाणा में बीजेपी ने जारी कर दी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, इस लिस्ट में 21 उम्मीदवार के नाम घोषित। प्रदेश अध्यक्ष मोहन बडोली और 2 मंत्रियों समेत 7 विधायकों के कटे टिकट। वियतनाम में आया यानी तूफान में अब तक 87 लोगों की हुई मौत, इसके अलावा 70 लोग हुए लापता। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो सोना 241 रुपए बढ़कर 71,619 पर पहुंचा, तो वही चांदी 671 रुपए महंगी होकर 82,151 रुपए प्रति किलो बिक रही। लेकिन कैरेट के हिसाब से आप देखें गोल्ड के रेट। वहीं बात करें शेयर बाजार की, तो सेंसेक्स में 361 अंक चढ़कर 81,921 पर बंद, तो वही निफ्टी भी 104 अंक की तेजी से रही। डिवीजन लेबोरेटरीज का शेयर 5% तक चढ़ा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की, जहां हरियाणा में सभी पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को लाडवा से नामांकन दाखिल किया। सैनी का नामांकन भरवाने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और कुरुक्षेत्र के लोकसभा सांसद नवीन जिंदल पहुंचे। आपको बता दें, नामांकन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर है। दरअसल ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री सैनी को लाडवा विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया। सीएम के नामांकन में शामिल होने के लिए काफी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद रहे। लाडवा से नामांकन दाखिल करने के बाद सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर दिखाई दे रही है और भाजपा तीसरी बार प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगी। वहीं बागियों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हर सीट पर कमल का फूल एक है और उनको मांगने वालों की संख्या ज्यादा है। बताते चले कि भाजपा ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। हालांकि टिकट लिस्ट के बाद काफी सारे नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। 250 से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं ने तो इस्तीफा तक दे दिया और मुख्यमंत्री खुद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें मनाने की कोशिश में लगे रहे, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। हरियाणा की महिला पहलवान और कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के इस चुनावी मुकाबले पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वे खेल जगत से राजनीति में कदम रखने वाली शख्सियत हैं। जिंद में जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार और पहलवान विनेश फोगाट ने अपने बड़ों और परमात्मा के आशीर्वाद को अपनी चुनावी सफलता का आधार बताया। दरअसल एक जनसभा को संबोधित करते हुए विनेश ने कहा कि बड़ों के बिना और परमात्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले भी उन्होंने मुझे जिताया था, अब भी वही मुझे जिताएंगे, इसके बिना हम कुछ नहीं हैं। विनेश ने आगे कहा कि जो मेहनत करेगा उसके साथ लोगों का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। महिलाओं की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं और मैं उन्हें आश्वस्त करती हूं कि उनके हक और अधिकारों के लिए सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब ना चाहते हुए भी कुछ फैसले हमें लेने पड़ते हैं। अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद NIT 86 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नीरज शर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया। दरअसल उन्होंने सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पहुंचकर
अपना नामांकन पत्र दाखिल कराया। आपको बता दें कि नामांकन से पहले नीरज शर्मा के समर्थन में हजारों की संख्या उनके आवास पर पहुंच गए। समर्थकों ने सारण चौक तक पैदल यात्रा निकाली। नामांकन दाखिल करने के बाद नीरज शर्मा ने कहा कि भाजपा से त्रस्त प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार लाने का मन बना लिया है। वहीं हरियाणा सरकार बनते ही एक बार फिर हरियाणा प्रगति के पद पर अग्रसर होगा और NIT क्षेत्र में विकास का नया दौर शुरू होगा। बताते चले उन्होंने कहा कि जो पैसा क्षेत्र के विकास के लिए आया था वह भाजपा ने अपने घर भरने में लगा दिया। 200 करोड़ का घोटाला करने वालों की खाल खिंचवा लूंगा। नीरज शर्मा ने कहा कि वह चाहते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बेटे और NIT से भाजपा प्रत्याशी बनाया जाए ताकि उनके बेटे को भी पता लगे कि उनके पिता ने क्षेत्र के लिए 10 साल में क्या काम किए हैं। भाजपा ने हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। वहीं इस लिस्ट में गुरुग्राम की पटौदी से वर्तमान विधायक का टिकट काट दिया गया तो दूसरी लिस्ट में कई विधायकों का टिकट कटा। इसमें फरीदाबाद के बड़कल, नूह जिले की बावल और सोनीपत की एक और सीट शामिल है। बता दें भाजपा ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सत्य प्रकाश जरावता का टिकट काट कर पूर्व विधायक विमला चौधरी को मैदान में उतार दिया है। साल 2014 में पहली बार पटौदी में विमला ने ही कमल खिलाया था। वो स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की नज़दीकी मानी जाती हैं। जिले के बावल विधानसभा सीट से भाजपा ने डॉक्टर कृष्ण कुमार को प्रत्याशी बनाया है। डॉक्टर कृष्ण कुमार स्वास्थ्य विभाग में निदेशक पद पर तैनात थे। आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले वे रेवाड़ी, नूह, करनाल, सिरसा, फरीदाबाद, सोनीपत व चरखी दादरी में CMO के पद पर सेवाएँ दे चुके हैं। दूसरी लिस्ट में फरीदाबाद जिले के बड़कल विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक और प्रदेश में शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह हरियाणा फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन गणेश अधलक्खा को टिकट दिया गया है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।